मैं हूं अवधेश कुमार, स्वागत है आपका पेपर हैकर में। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल का आज हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और यूजेस पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ ग्लाइकॉल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। व्हाट इज ग्लाइकॉल, डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। देखिए अगर हम ग्लाइकॉल कहें से, क्या कहें, ग्लाइकॉल कहें या फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल कहें, बात एक ही है। जितने भी ग्लाइकॉल्स होते हैं उसमें कॉमन, सबसे कॉमन जो ग्लाइकॉल है वो कौन सा है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है। ठीक है, तो जब भी आपको कहीं क्वेश्चन आए तो आप स्पेशली किसके बारे में बताएंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल के बारे में बताएंगे। क्लियर है, ठीक है। देखिए क्या है, वर्ड ग्लाइकॉल की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक वर्ड ग्लाइकस से हुई है। किससे हुई है, ग्लाइकस से हुई है। यहां देख रहे हैं आप, जिसका सीधा मतलब क्या है, स्वीट, यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो क्या है, स्वीट है, वो क्या है, इनके अकॉर्डिंग ग्लाइकॉल है। ठीक है, बे डाइहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें डिफरेंट कार्बन एटम से दो OH ग्रुप लगे होते हैं, यानी डाइहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं ग्लाइकॉल्स। कौन होते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। अगर हम बात करें जैसे ये है, यहां OH लगा है, यहां OH लगा, तो ये प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल हो गया। अगर मैं ये कहूं कि ये देखिए CH2, यहां OH लगा है और यहां OH लगा है, तो ये इथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया। क्लियर है, तो दो क्या लिखा, देखिए बे डाइहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें डिफरेंट कार्बन से दो OH ग्रुप लगे, मतलब वो कार्बन दोनों डिफरेंट होने चाहिए, उससे अगर OH ग्रुप लगे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, ग्लाइकॉल्स कहेंगे। ओके, क्लियर है। अब देखिए अगर हम बात करें इसका IUPAC नेम क्या है, तो याद रखिएगा, देखो 1-2 दो कार्बन है तो इथाइलिन ग्लाइकॉल, अगर देखिए 1-2-3 तीन कार्बन है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। क्यों, 1-2-3 तीन कार्बन के लिए प्रोप होता है ना, तो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। यहां देखिए चार कार्बन है तो इसे क्या कहेंगे, ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल। मगर इन सब में हम लोग जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, कॉमन पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्टडी करना है हमें, प्रॉपर्टीज और इसकी प्रिपरेशंस और यूजेस। मोस्टली जो हमें किसके बारे में बताना है, वो बताना है इथाइलिन ग्लाइकॉल के बारे में। क्लियर है, यहां देखिए अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में अगर हम बात करें, जरा देखिए ध्यान से, तो यहां पर हम लोग लेंगे 1-2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ये CH2Br और CH2Br, ये है 1-2 डाइब्रोमो इथेन है। अगर इसके रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट और वाटर, मतलब एक्वस सोडियम कार्बोनेट से अगर रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो क्या होगा, यहां से आपको क्या मिलेगा, दो Br हैं, इनकी जगह पर कौन आ जाएगा, OH आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, OH ग्रुप आ जाएंगे, मतलब ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए नेक्स्ट मेथड है, फ्रॉम इथीन, किससे बनाना है, इथीन से बनाना है, तो इथीन मतलब दो कार्बन है, आप देख लीजिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, आपको करानी है देखिए H2O+O, यहां क्या लेंगे, यहां लेंगे बेटा 1% अल्कलाइन KMnO4। जब भी KMnO4 की बात आएगी, KMnO4 दो OH देता है, वो रिजेंट इस फॉर्म में मिलेंगे H2O+O, तो H2O+O ये दो मिलकर क्या बना रहे हैं, 2OH बना रहे हैं ना, तो एक OH यहां लगा दीजिए, एक यहां लगा दीजिए, मतलब ये हो जाएगा CH2OH और CH2OH। बेटा ये क्या है, ये है हमारा ग्लाइकॉल। क्लियर है, तो यानी इथीन से हम जब
अल्कलाइन केमेनोफोर 1% लेंगे, आप इसको क्या कहते हैं? यहां से एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पूछ लेता है कि 1% अल्कलाइन केमेनोफोर सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसे क्या कहेंगे? 1% अल्कलाइन केमेनोफोर सॉल्यूशन को बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेयर्स रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कहां किया जाता है? इसका यूज किया जाता है अनसेचुरेशन में। कहां किया जाता है? तो दो टाइप के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं यहां से। एक तो ये बन सकता है कि बेयर्स रिएजेंट क्या है, तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? 1% अल्कलाइन केमेनोफोर सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? बेयर्स रिएजेंट कहेंगे। और दूसरा ये आएगा कि बेयर्स रिएजेंट का यूज कहां होता है? तो अनसेचुरेशन के टेस्ट में। अब अनसेचुरेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, अनसेचुरेशन का मतलब होता है जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ना हो, मतलब या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के डिटेक्शन में किसका यूज किया जाता है? बेयर्स रिएजेंट का यूज किया जाता है। ओके, अगर देखिए हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, किसकी? इथाइलीन ग्लाइकॉल की। ठीक है, ये देखिए, ये एक कलरलेस, कलरलेस क्या है? लिक्विड है। देखिए कलरलेस लिक्विड है, विस्कस, आप समझते हैं विस्कस का मतलब क्या होता है? जिनकी विस्कोसिटी हो। ठीक है, और हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक है ना कि हाइड्रो, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक। ये क्या होते हैं बेटा? आर्द्रता ग्राही होते हैं, जो नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वातावरण से, एटमॉस्फेयर से, एनवायरमेंट से, उन्हें हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। और इसका बॉइलिंग पॉइंट 197 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये पानी और अल्कोहल में क्या हो जाएगा? सॉल्युबल है, जबकि ईथर में इनसॉल्युबल है। क्या है? ईथर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो ये कहा? पानी में और अल्कोहल में सॉल्युबल है, जबकि ईथर में क्या है? इनसॉल्युबल है। अच्छा, इसका ओरली लेने पर ये मेथनॉल की तरह टॉक्सिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहां से। देखिए ओरली का मतलब, आप कहीं आप सोचे कि नहीं भाई ग्लाइकॉल तो मीठा है तो इसको थोड़ा सा निगल लिया जाए, पी लिया जाए, तो ये गलत है बेटा। ये अगर हम ओरली ले लेते हैं, ओरली अगर ले लेते हैं बेटा, तो ये मेथेनॉल की तरह, जैसे मेथेनॉल होता है वैसे ही ये टॉक्सिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? टॉक्सिक इन नेचर होता है। तो याद रखिएगा कि ये कलरलेस है, विस्कस है, और स्वीट हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है। इसके अलावा इसका बॉइलिंग पॉइंट याद रहे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ आइएगा। इसके अलावा ये पानी और एल्कोहल में घुल जाता है, ठीक है, जबकि ईथर में ये सॉल्युबल नहीं होता है। और ये ओरली अगर ले लेते हैं तो ये टॉक्सिक है, किसकी तरह? मेथेनॉल की तरह। ठीक है, अब जरा देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, यहां पर दो OH है। मैं आपको बता दूं, यहां पर जो OH है, यहां पर जो OH का नेचर है इसका, तो ये कैसा नेचर है? अगर देखा जाए तो जो OH का नेचर है यहां पर, ये कैसा नेचर है? इसका एसिडिक नेचर है। कैसा है? एसिडिक, मतलब यहां से H निकलेगा। सोडियम से जब आप रिएक्शन कराओगे, सोडियम से देखिए, ये है CH2OH, अगर आपने सोडियम से रिएक्शन कराई बेटा, तो ये वाला H यहां से निकल जाएगा और क्या लग जाएगा? CH2NA लग जाएगा। क्या लग जाएगा? CH2ONA। ऐसे यहां CH2OH ऐसे ही रहेगा। फिर आप दोबारा कराओगे तो देखिए, आपने फिर से सोडियम से रिएक्शन करा दी तो ये बन जाएगा CH2ONA, तो था ही था, और दूसरा भी बन गया CH2ONA। अब जरा देखिए, अगर हम बात करें यहां पर, एक जब NA लगा भाई, यहां देखो एक NA लगा तो क्या कहा इसे? तो कहा मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट। जब दो NA लग गए तो डाइसोडियम ग्लाइकोलेट। क्या कहा? डाइसोडियम ग्लाइकोलेट। क्लियर है? अब देखिए जरा यहां पर रिएक्शन विद PCl फाइव। नेक्स्ट, ये तो रिएक्शन था मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ। अब देखिए रिएक्शन विद PCl फाइव, तो PCl फाइव से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, ये जो OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक अगर रिएक्शन देखें, तो ये PCl5 क्या करता है? OH को हटाकर क्या लगा देता है? वहां पर Cl लगा देता है। यहां देखिए दो Cl लग गए, ठीक है, तो दो OH है, दो Cl लग गए, इसका मतलब दो PCl5 यूज हुए बेटा। ये था ग्लाइकॉल, ये क्या बन जाएगा? 1,2 डाइक्लोरोइथेन। क्लियर है? अब जरा देखिए रिएक्शन विद HI, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ये देखिए यहां पर अगर हम बात करें जो एच आई है या एच एक्स है उसमें होता क्या, देखिए बेटा ये जो ग्लिसरॉल आप देख रहे हैं सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच, अगर आपने एच एक्स से रिएक्शन करा दी तो बेटा इसका ओ एच जाता है और इसका एच जाता है, ऐसे ही यहां अगर एच एक्स से रिएक्शन करा दी इसका ओ एच इसका एच होगा क्या बेटा, ये देखा जाए तो यहां से क्या निकल रहा है ओ एच निकल रहा है, मतलब ये बेसिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है बेसिक को। अब जरा देखिए यहां सी एच टू ओ एच इसका चला गया और इसका क्या चला गया एच, ये देखिए भाई दो एच इसके दो एच इसके, यहां से ये इतना निकल गया, बचा क्या सी एच टू आई सी एच टू आई, ये इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया वन टू डाई आयोडो इथेन, क्या हो गया वन टू डाई आयोडो इथेन हो गया, क्लियर है। अब देखिए अगर हम रिएक्शन विद कंसंट्रेट एच एनओ थ्री कराएं, ये देखिए एच एनओ थ्री है नाइट्रिक एसिड से, जब भी हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट और ओएच अगर ग्रुप वहां है तो याद रखिएगा उस रिएक्शन को नाइट्रेशन कहेंगे, ये रिएक्शन होती किसकी प्रेजेंस में, ये होती है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में होगी कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, होता क्या बेटा यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया था फिर बता देता हूं, यहां पर जो HNO3 होता है इस HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए HNO3 को देखें तो वास्तविक में ये ऐसे होता NO2 into OH, ये अब ये यहां से अपना OH ग्रुप देगा, क्या देगा OH ग्रुप देगा, जब यहां से OH ग्रुप देगा तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा बेस की तरह बिहेव करेगा, याद रखना किसकी तरह बिहेव करेगा बेस की तरह बिहेव करेगा, तो जरा देखिए यहां का OH यहां का H, ऐसे यहां का OH यहां का H, क्या रिलीज हो गए दो एच टू रिलीज हो गए बेटा, बनाया क्या अब जो बनाया देखिए सी एच टू ओ यहां था सी एच टू ओ यहां था, ये तो ऐसे रहा एनओ टू एनओ टू लग गया, तो ये हो गया डाई नाइट्रो और वैसे था क्या ग्लाइकॉल, तो डाई नाइट्रो ग्लाइकॉल बन गया, क्लियर है। मैं आपको बता दूं नाइट्रो कंपाउंड मोस्टली जो भी होते हैं वो एक्सप्लोसिव होते हैं, तो ये डाई नाइट्रो ग्लाइकॉल भी एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव अब जानते हैं एक्सप्लोसिव क्या होते हैं विस्फोटक, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ये विस्फोट करे मगर हो सकता है ये हेल्प करता हो विस्फोट करने में, तो ये एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, क्लियर है। अब देखिए जरा हम बात कर लेते हैं एसिटाइलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसिटाइलेशन कहे या असाइलेशन कहे बात एक ही है, एसिटाइलेशन का मतलब होता है एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन, और अगर एसाइलेशन बोल दें तो एसाइलेशन का सीधा मतलब है कि आर सी ओ एक्स से यानी एसिड हैलाइड से रिएक्शन असाइलेशन कहलाती है, और उसमें स्पेशली आपने सी एस थ्री सी ओ सी एल ले रखा है तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे एसिटाइलेशन कहेंगे, क्या कहेंगे एसिटाइलेशन कहेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए एसिटाइलेशन में होगा क्या बेटा, इसका एच इसका सी एल इसका एच इसका सी एल दो एच सी एल निकल गए, बाकी कंबाइंड करके लिख दीजिएगा सी एच टू ओ सीओ सी एस थ्री सी एच टू ओ सीओ सी एस थ्री, इसका नाम क्या हो गया डाई एसिटिल ग्लाइकॉल ऑल है ये डाई एसिटिल ग्लाइकॉल, क्यों क्योंकि दिस इज एसिटिल ये एसिटिल है भाई, तो डाई आपका हो गया डाई एसिटिल ग्लाइकॉल, ठीक है। अब जरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में क्या होगा बेटा, डिहाइड्रेशन में कुछ नहीं, आप 500 डिग्री सेल्सियस में जब भी आप इसको हीट करोगे तो दो पड़ोसी कार्बन पे अगर OH है तो वहां से H2O रिलीज हो जाएगा, ये देखिए अब H2O रिलीज हो गया तो कार्बन की बैलेंसी कम हो गई, तो इन्होंने क्या किया कि इसके एक ऑक्सीजन को इन्होंने कंबाइंड बैलेंसी में मान लिया, देखो ये है दिस यानी ये बना CH2 और इधर OO, बेटा जब भी ऐसा बनाते हैं इस रिंग को कहते हैं इपॉक्साइड रिंग, कौन सी रिंग कहेंगे इपॉक्साइड रिंग, तो ये हो गई आपकी इथाइलीन इपॉक्साइड, कौन सी इपॉक्साइड हो गई इथाइलीन इपॉक्साइड हो गई, ठीक है हाँ ये इथाइलीन इपॉक्साइड हो गई, क्लियर है। अब जरा देखें नेक्स्ट, अगर आपने इसका डिहाइड्रेशन कराया है कंसंट्रेट H2SO4 प्रेजेंस, क्वेश्चन देखिए क्या आएगा, वो कहेगा कि क्या होता है जब व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लाइकॉल हीटेड एट 500 डिग्री सेल्सियस, जब 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो क्या होगा, तो 500 डिग्री सेल्सियस पे जब आप हीट करोगे तो आपका एक H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और बनेगा क्या बनेगा इथाइलीन इपॉक्साइड बनेगा, ठीक है।
और अगर यही रिएक्शन आप कंसेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराओगे तो इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे। कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे? दो। अब देखिए CH2 CH2 OH, इधर OH, ये देखिए ग्लाइकॉल हो गया, दूसरा है CH2 CH2 OH OH, यहां से क्या निकल जाएगा H2O, यहां से क्या निकल जाएगा H2O। बेटा क्या बन जाएगा यहां से, देखो दो H2O निकल गए, बना क्या CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर O, इधर O, इधर CH2, इधर CH2, इधर O, ये जो बना है इसका नाम देख लीजिएगा, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है डाइऑक्सेन। क्या नाम है? डाइऑक्सेन। क्लियर है? हाँ, तो ये डाइऑक्सेन है। अब जरा देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी देख लेते हैं, है ऑक्सीडेशन। कौन सी प्रॉपर्टी? ऑक्सीडेशन। तो अगर हम ग्लिसरॉल ग्लाइकॉल का क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन। अब इसका ऑक्सीडेशन भी दो तरीके से होना है, एक होना है आपका एसिडिक केमेनोफोर की प्रेजेंस में और एक होना है आपका कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में। अगर आपका किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? एसिडिक केमेनोफोर की प्रेजेंस में हो रहा है, तो देखिए क्या होगा, तो बनेगा फार्मिक एसिड HCOOH, ये दो मॉलिक्यूल, ठीक है, और क्या बनेगा H2O बनेगा। ये होना है किसकी प्रेजेंस में? अरे एसिडिक केमेनोफोर, यानी एसिडिक केमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में। अगर यही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा दी जाए? कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में। ये देखिए कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में तो क्या होगा? तो बेटा कुछ नहीं है, यहां से जो ऑक्सीडेशन होना है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा और बन जाएगा बेटा ये आपका ऑक्सैलिक एसिड COOH COOH, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या होता है जब ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में कराते हैं? एसिडिक केमेनोफोर, या रिएक्शन एसिडिक केमेनोफोर की प्रेजेंस में कराते हैं तो फॉर्मिक एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनेगा? फॉर्मिक एसिड बनता है, याद रखना है। कौन सा? फॉर्मिक एसिड। और अगर ये कंसंट्रेट HNO3 प्रेजेंस कराएंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर है? तो ये रिएक्शन थी आपकी ऑक्सीडेशन की। क्लियर हो गया? अब जरा देखिए नेक्स्ट, कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडेंसेशन रिएक्शन देखिए, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हम अगर इसकी एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराएं, किससे कराएं? एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? तो साइक्लिक एसिटल बनता है। और अगर कीटोन से रिएक्शन कराएं, किससे रिएक्शन कराएं? कीटोन से, तो साइक्लिक कीटल बनता है। अब ये कीटल और एसिटल क्या होते हैं देखिएगा, आपने लिया CH2 CH2, इधर OH इधर OH, और आपने रिएक्शन करा दी किससे? ये देखिए CH3 और H, ये है हमारा एसिटल्डिहाइड। बेटा इसका H और इसका H और इसका O क्या रिलीज हो गया? H2O रिलीज करा दीजिएगा, यहां से क्या बनेगा बेटा? CH2 CH2 O O, और यहां C, इधर CH3, इधर H, ये बेटा साइक्लिक फॉर्म में आ गया और ये बना क्या? एसिटल, क्योंकि एल्डिहाइड से रिएक्शन हो रही, तो दिस इज साइक्लिक एसिटल। अगर इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं? कीटोन से, तो जरा देखिए ये लीजिए आप CH2OH, यहां लीजिए आप CH2OH और रिएक्शन करा दीजिएगा कीटोन से, ये देखिए CH3 CH3, यानी आपने एसीटोन से रिएक्शन करा दी, तो बेटा यहां से निकलेगा क्या? H2O, ठीक है, क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। जरा देख लीजिएगा,
एच टू, बनेगा क्या बेटा सी एच टू ओ, सी एच टू ओ और इधर सी, इधर सी एच थ्री, इधर सी। एसीटल कब बना, जब आपने एसीटल्डिहाइड लिया। कीटल कब बना, देखो ये साइक्लिक कीटल ही तो है, कीटल तो कब बना, जब आपने कीटोन लिया। क्या लिया, कीटोन लिया तो साइक्लिक कीटल बना, और एल्डिहाइड लेते हैं तो साइक्लिक एसिटल बनता है। क्लियर है, अब जरा देखिए ये था इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए रिएक्शन विद टेरेप्थेलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल रखा है, ठीक है, क्या है जरा देख लेते हैं, टेरेप्थेलिक एसिड क्या है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है, देख लीजिएगा। आपने लिया ये, देखिए अगर आपने ये लिया, यहां सी डबल ओ एच ले रखा है और यहां भी आपने सी डबल ओ एच ले, दिस ये जो बना है इसका नाम क्या है, टेरेप्थेलिक एसिड। इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है इथाइलीन ग्लाइकॉल से, किससे करानी है, ग्लाइकॉल से। अब जरा देखिए होगा क्या बेटा, जब भी ऐसी कंडीशन आए, एस्टरीफिकेशन एक टाइप से हो रहा है, इसका एच इसका ओ एच, ठीक है। तो यहां देखिए जरा, अगर हम यहां की बात करें तो आपने ले रखा है इथाइलिन ग्लाइकॉल, यह है ओ एच सी एच टू, सी एच टू और ओ एच, ठीक बेटा। अब होगा क्या, यहां का ओ एच यहां का एच, ऐसे ही बेटा इसके अगर हमने एन मॉलिक्यूल ले रखे हैं तो यहां का ओ एच निकल जाएगा, ठीक है, और इसका क्या निकल जाएगा, एच निकल जाएगा। कब होगा, जब आपने ये 450 केल्विन पे रिएक्शन कराई होगी, 400 पे, ठीक है। तो आप देखिए क्या होगा, यहां से देखिए पूरा कंपाउंड हमारा क्या बन के आएगा, CO इधर ये, CO इधर आएगा O, CH2 इधर O। अब ऐसे इसमें इधर लग जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, तो ये इस तरीके से आपका जो एक यूनिट आएगा निकल के वही आएगा, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा टेरिलिन। क्या नाम होगा, टेरिलिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन आएगा क्या होता है जब ग्लाइकॉल की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में किससे रिएक्शन कराई जाती है, टेरेप्थेलिक एसिड से, ठीक है, तो क्या बनता है, टेरिलिन बनता है, एक पॉलीमर होता है ये, क्या बनता है, टेरिलिन बनेगा। क्लियर है, ठीक है, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, थैंक यू।